त्योंथर चौरा घाट के भूमि पूजन में आए जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला का शहीद परिवार और गांव वालों ने रोका काफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिनांक 6 अक्टूबर को त्योंथर के चौरा घाट के भूमि पूजन समारोह में सम्मिलित होने जनसंपर्क मंत्री का आगमन हुआ। भूमि पूजन का यह कार्यक्रम 1 बजे होना सुनिश्चित हुआ था, पर लेट लतीफी के चलते मंत्री जी का काफिला 5 बजे सुनौरी होते हुए चौरा गांव पहुंचा। चौरा से 1 किलोमीटर पहले ही तकरीबन 200 की संख्या में मौजूद शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी का परिवार एवं अन्य ग्रामवासियों ने मंत्री जी के काफिले के सामने खड़े होकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मजबूरन मंत्री जी का काफिला रोककर उनकी बात सुननी पड़ी। शहीद परिवार के लोगों ने मंत्री जी को ज्ञापन दिया और फरियाद की कि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित सहायता राशि उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुई, ना ही शहीद स्मारक बना, ना ही रोड बनी। उनकी मांगों पर मंत्री जी ने उन्हें जल्द ही सहायता निधि मिलने का वचन दिया, तब कहीं जाकर लोगों ने काफिले को जाने दिया। मंत्री जी के साथ जनार्दन मिश्र सांसद रीवा भी मौजूद थे, जो काफिले को रोकने की वजह से नाराज भी हुए और परिवार को उंगली दिखाते हुए कहा कि ये कोई तरीका है। हालांकि शहीद परिवार का कहना ये है, या तो मुख्यमंत्री जी घोषित सहायता निधि हमें प्रदान करें या फिर शहीद की पत्नी और बच्चियों से माफ़ी मांगे कि मेरे पास शहीद परिवार को देने के लिए कुछ नहीं है। आपको याद दिला दें कि शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 3 मार्च 2021 को नक्सली हमले में शहीद हुए थे। शहीद परिवार के लिए तरह तरह की घोषणाएं तो की गई, पर आज तक वो सभी घोषणाएं कोरी ही रही हैं, जिससे शहीद परिवार, जिसमें बूढ़े माँ बाप जो 18 वर्ष से लकवाग्रस्त हैं और 2 बच्चियों के साथ शहीद की पत्नी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों द्वारा अभी राजन शुक्ला जी का काफिला रोका गया था, क्या विषय था? विषय ये था कि हमारे त्योंथर के पूर्वांचल का ये ककरहा बरछा टोला के लाल 2 साल पहले दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए और आज तक 2 साल होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार, जो शहीदों से वादा किया गया था शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि जो है उनको मिलनी चाहिए थी, और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी में जो काबिज जो सरकार में लोग हैं उनके पास इतना भी समय नहीं है। आचार आदर्श आचरण संहिता लगने वाली है, लेकिन शहीदों के परिवारों से कोई लेना देना नहीं भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्टाचारी सरकार। आज तक 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके घर तक नहीं पहुंच पाई, 100 मीटर रोड भी नहीं बनवा पाई है। ये परिस्थिति है। की गई घोषणा में से कुछ कोई भी चीजें प्राप्त नहीं हुई अभी। मकान प्राप्त हुआ है और उनके स्मृति में एक CSC सेंटर, कॉमन हेल्थ सर्विस सेंटर जो है बना है, लेकिन वो भी आबादी से इतना दूर है कि आम जन की पहुंच से वो बाहर है। तो क्या शुक्ला जी द्वारा कोई आश्वासन मिला आप लोग? शुक्ला जी के द्वारा आश्वासन, देखिए आश्वासन अगर थोड़ी सी भी संजीदगी होती, इनको पता नहीं क्या रोज हमारे यहाँ शहीद होते हैं क्या? इनको ये नहीं पता कि 2-2 साल हो गया और आज तक जो है विधायक जी को नहीं पता है क्या? कैसे मैंने ये कोई संवेदनशीलता है कि नहीं है? ये परिस्थिति है मध्य प्रदेश सरकार की और ये हर जगह है, कहीं पे भी शहीदों को लेके कोई संवेदनशीलता नहीं है इन सरकारों के पास। आप लोग कितनी देर से हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पर लगभग 11 बजे से सारे लोग बैठे हैं। 1 बजे का कार्यक्रम इन्होंने बताया था और अब देखिए 5 बज गया है। अब जाके इनका जो है ये लाव लश्कर निकला है और माननीय मंत्री जी से मैंने ये भी पूछा कि तीसरी बार आप जो है ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये मोल मोल जवाब दिए और कोई जवाब इनके पास बचा नहीं था। ये भूमि पूजन तीसरी बार हो रहा है? हाँ, बिल्कुल तीसरी बार है। ज्यादा हो गया, तीसरी बार है, ज्यादा हो गया। चार बार ये भूमि पूजन 1964 से चालू है। 1964 से और काम कभी नहीं हुआ? काम कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और है, वोट बैंक बना रहे हैं। जब आप सांसद जी से बात कर रहे थे तो सांसद जी थोड़ा रुष्ट टाइप के समझ में आ रहे थे। रुष्ट इसलिए हुए क्योंकि जब स्वर्गीय जितेंद्र कुशवाहा जी शहीद हुए थे तो फरहदी में ये गए थे और मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं वहाँ पर मौजूद था। इन्होंने वहाँ पर शहीद के स्मृति में, स्वर्गीय जितेंद्र कुशवाहा जी की स्मृति में एक हाईवे से तोरण द्वार बनाने के लिए बोला था, जो आज तक अधूरा है। और यही विषय मैंने उनसे पूछा और मैंने ये कहा जब कि भाई मैं मौजूद था जब आपने यह घोषणा की थी, तो इसी बात को लेके वो विचलित हो गए और नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
नीचे कर ले कुशल नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। या महाभारत में जब ध्यान कीजिए, महाभारत के मैदान में गांधी उधारी अर्जुन के रथ का संचालन कर्मयोगी कृष्ण ने किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।